तो फाइनली मुबारक हो आपको अगेन अगेन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ दिन से व्लॉग्स थोड़े से कम आ रहे थे, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश है कि आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे। उसका रीज़न ये था कि ठंडक बहुत थी और हम कहीं नहीं जा रहे थे, घर पे थे, रूम पे थे। अब रूम पे मैं आपको क्या दिखाता, सो डैट मैंने व्लॉग्स नहीं किया और ठंडक बहुत था और दूसरी चीज़ें मैं कॉन्टेंट बना रहा था। सो आज हमारे बहुत खास हैं सैफ भाई, उनका रिसेप्शन है तो वहाँ जा रहे हैं। मैं रेडी हो गया हूँ एकदम और ठंडक बहुत है। ये देखो मेरा इनर भी दिख रहा है, आई थिंक यहाँ से इसको उतारना पड़ेगा क्या। भी रेडी हो गया भाई? रेडी हो गया। चलो बढ़िया है, सो निकले। हाँ चलो चलो निकलते हैं। ये तीन गुलदस्ता भी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ ये बहुत शुभ मौका है। सब बढ़िया है, एक बेहतरीन गुलदस्ता तैयार करिए हमारे दोस्त के लिए। जी जी, यहाँ पे बहुत अच्छे हैं आपके, ये राजमहल के सामने हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पे चीज़ें लाइक अवेलेबल हैं आपको, बुके वगैरह बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो गुलाब वाला आपका फाइनल कर लिया है? ये गुलाब से ज़िंदगी महकती है, सो इसलिए हमने पूरा प्योर गुलाब का वाला फाइनल किया है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। ये अकबर भाई के, तो ये हमारा जो है फाइनल रेडी हो गया। अच्छा लगा, बढ़िया है। ले भाई, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमें जाना है आपका बालागंज सिटी लॉन एंड, बट आपको अब अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, मज़ा आएगा आपको। खास तौर से हमारी जो जितनी भी ऑडियंस है, चाहे वो लखनऊ, मोदार, कहीं की भी है, सबको मज़ा आएगा। तो बस चलते हैं और सीधे मिलते हैं आपसे सिटी लॉन में। सो भाई, हम पहुंच गए हैं आपका वेन्यू पे, मतलब वेन्यू उस तरफ है और यहाँ पे ये बाल संभालते हुए हमारे रमन ब्लॉगर भाई से जो है बाल संभालते हुए मिलते हैं। हाँ, मतलब इधर जैसे मुझे देखते हैं, मेरे बालों को देखते हैं, अपने बाल संभालने लगते हैं। नहीं है, और अकबर भाई से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तारीफ नहीं यहाँ पे करना, तारीफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे भाई तारीफ लायक हैं, इसलिए हम करते रहते हैं। और अभी आगे ब्लॉग पे बने रहिएगा, एंड तक वॉच करिएगा। जाने वाले हैं, साहब भाई से मिलने वाले हैं और भाई ये हैं। तो बस हमने ये जैकेट चेंज कर दी है क्योंकि वो जो येलो वाली जैकेट थी ना, वो हमने अंदर से इनर पहन रखा था तो वो दिख रही थी इसमें, तो फिर हमने वो मतलब नहीं मैच ही नहीं कर रहा था वो, तो हमने चेंज ही कर दिया। फिलहाल अभी हम चलते हैं भाई। ये है हमारा वेन्यू सिटी लॉन जो कि है बालागंज में और माशाल्लाह से बहुत करा डेकोर वगैरह, लेकिन हमें लग रहा है कि हम जल्दी तो नहीं आ गए यार, अभी फ्लावर वगैरह सेट हो रहे हैं। YouTube पे देखते रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़े भाई हैं। कहाँ गया सैफ भाई? हाँ सैफ आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं जी सैफ, आ रहे भाई, गुलाम यहाँ पर दीजिए। चलिए मुबारक आपको। हम थोड़ा सा लाइक मतलब हम लोग टाइम से, क्योंकि ठंडा क्या, तो ठंडा में होता क्या ना कि आप थोड़ा सा पहले निकलते हो, लेकिन अभी जो हमारे दूल्हे राजा होता ना कि जो भाई जो फंक्शन का जो हीरो, तो थोड़ा लेट में ही आता है, तो हम जो थोड़ा सा गुपचुप पानी वगैरह खाएंगे रही साहब की तरह, मतलब भिलाई वालों की तरह, और उसके बाद फिर वो आते हैं तो उनसे मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। तो ये ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है एंड मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा एंड तक ज़रूर देखें। बस अब सब कुछ हो चुका है, मिल भी लिए, हालांकि साहब भाई नहीं मिले, तो अभी हम लोग कुछ खाए पिए जाए। हाँ शुरू करते हैं, मुझे लाइक भूख लगी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉफ़ी से, तो पहले कॉफ़ी भाई हमारे फूल लिए भाई बहुत सपोर्ट करते हैं हमारा। साथ भाई भी मिल गए हैं, हालांकि हमारी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, कब आने वाले हैं जनाब? टाइम है बताइए, हमारी ऑडियंस आप ब्लॉग में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे थोड़ा ध्यान रखें, इस टाइम विंटर है, ठंडक पूरी और लखनऊ में ज़्यादा ही हो रही है, और अपना भी ख्याल रखें सब लोगों का, बहुत ज़रूरी है। तो और इसी ठंडक को देखते हुए हम एक लेते हैं कॉफ़ी, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो बहुत भाग भाई यहाँ पे खा रहे हैं आपका चिकन टिक्का। ये चिकन टिक्का, अरे भाई रमन यार टिक्का लो, अभी रेडी है क्या? खा दो बस। तो यहाँ पे आपका टिक्का रेडी हो रहा है, वहाँ पे आपका सीख कबाब है, तो टिक्का रेडी है कि नहीं है? एक चीज़ और है कि आप जब भी कभी ऐसी शादी में आए, ऐसे फंक्शन में आए, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लुटस कह सकते हैं या जिससे थोड़ी सी जहाँ पे थोड़ा सा रश रहता है, वो है आपका टिक्का, सीख कबाब और फ्राई, इन सब पे बहुत रश रहता है, बहुत है ना जद्दोजहद करके एक प्लेट मिलती है। बस अभी जाते हैं एक एक तो ये हो गया, एक रमन का है एक मेरा है, तो मैं पहले ट्राई करके आपको बता देता हूँ कैसा लगा। जैसे बोलते हैं काकोरी कबाब, और ये लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरा गलावटी होता है और ये सीख में पूरा लग के बनता है, और ये हमने इसको डिप किया आपके अमरूद की चटनी में, देन दिस
शादियों में जो सिक्का हुआ उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट ही होता है, मज़ा आ जाता है। अच्छा है ये देखो, यहाँ फाइनली साहब भाई आ गए हैं, कौन से मिल लेते हैं। बिल्डर की शादी है तो बॉडी बिल्डर वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और पता नहीं कहाँ निकल गया, अभी आते तो फोटो शूट चल रहा था तो अभी कजन है। अच्छा हाँ, अरे बोले खाया हुआ खाना वाना खाया? नहीं नहीं खाना नहीं, खाना वाना खाया तो खाना चल रहा है। ये हमारे यहाँ साहब भाई जिनके लिए हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो फाइनली मुबारक हो आपको अगेन अगेन। तो भाई फाइनली जो मेन काम था साहब भाई से मिलिए, और जब साहब भाई बोलते हैं बहुत ना सीनियर और बड़ा है, और अभी कहेंगे खाना स्टार्ट हो गया है तो ये क्या हुआ। अच्छा हाँ, सो अभी क्या है कि खाना स्टार्ट हो गया तो हम लोग कहाँ गया कमन। हाँ। कुछ खाया जाए, खाना ना खा लेते। हाँ शुरू फैजान खाली प्लेट, अरे खाली है तो भर जाएगी ना। सो मिलिए फैजान से, एक जन फर्स्ट जन वाले ब्लॉग में थे राइट। हाँ। और माशाल्लाह से कोट तुम्हारा बहुत प्यारा लग रहा है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपनी सदाबहारी जैकेट, लेकिन तुम्हारा कोट अच्छा लग रहा है, मतलब आज मतलब देख के लग रहा है कि नंबर तुम्हारा ही है। तारीफ करती हूँ बहुत है, आपके मुँह से तारीफ हो गई। पहली बार किसी मैरिज में हम लोग साथ में मिले। हाँ मतलब लाइक 80% मेरी जो मैरिजेज होती हैं तो मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ द नाइट शिफ्ट। तो आज ऐसा मौका था कि संडे था और साहब भाई ने कहा कि यार संडे को हमने जानबूझ के रखा, तो मैंने कहा ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, तो अकबर ज़रूर आएगा। तो बस अभी खाना स्टार्ट हो गया, खाना खाते हैं। रमन खाना खाए? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है मतलब हैंडल करना कैमरा और खाना, लेकिन फिर भी आई विल हैंडल। एंड खाना काफ़ी लजीज लग रहा है माशाल्लाह से। लेट दिस वन। हाँ बिल्कुल, आपने खाया? आपको नहीं, 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 हम लोग तो खाते ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि तो डाइट पे चल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आजकल ऑफ सीजन है। चलो ये सही है, बस थैंक यू। तो ये हमारा गलावटी कबाब हो गया है, और ये क्या है? लगन चिकन। अच्छा चिकन लगन है? नहीं लगन नहीं लेंगे, ये लगन चिकन है। और आगे और देखें क्या है, ये फिश है। थोड़ा सा ये कौन सा चिकन है? मटर चिकन है। अच्छा मुर्ग मुसल्लम, एग्जैक्टली दिस इज़ द मुर्ग मुसल्लम। इसके साथ में आई विल प्रेफर द रुमाली रोटी, बहुत लजीज लगती है माशाल्लाह से, माई फेवरेट रोस्टेड। ये हमारा रोस्टेड, ये पकड़ने वाला होना चाहिए, पीस वाला पकड़ने वाला यानी। हम बाद में लेंगे तो पहले ही हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद खाना खा लिया अच्छे से, फिर आपसे मिलते हैं। फैजान क्या लाए तुम? अच्छा बिरयानी? हाँ, नहीं बिरयानी नहीं, रोस्टेड नहीं लिया, चिकन यही खाने का मन कर। अच्छा चलो बढ़िया, चलो भाई भी लगे पड़े हैं। भाई हमने हमारा जो मेन कोर्स था यानी कि हमारा डिनर प्रॉपरली हो गया है, और आइसक्रीम खाने का दिल तो मेरा कर रहा है लेकिन पता नहीं कि हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ठंडा है, लेकिन हाँ थोड़ा ट्राई कर लेंगे। और कैसा था खाना? बहुत बढ़िया था। अच्छा मतलब खाना मतलब टेस्टी बहुत था। और शादी के खाने में एक बात बोल कि आप कितना भी खा लो जो अंदर तक रूह है ना वो नहीं भरती, हालांकि खाना बहुत लजीज था, बहुत अच्छा था और स्वीट भी बहुत अच्छी थी। तो हम अब यहाँ से थोड़ी सी आइसक्रीम खाएँगे, फिर वहाँ पर शायद पान होकर वो करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो बस भाई मज़ा आओ खाना, बहुत बढ़िया खाना था, मजा लेते हैं थोड़ी सी आइसक्रीम। कौन सी लोगे? ये वाली, ये तो बहुत ज़्यादा है। चलो एक ही में दो लोग? हाँ एक ही में खा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं, इतना खाएंगे नहीं तो शर्मा के जाते हो। लास्ट बाइट है, और ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट जैसा भी नहीं, वहाँ पानी बचा हुआ है। पान ना पान रहेगा पता नहीं, हम सारी ऑडियंस को लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़े खोए टाइप हैं कि मतलब इतना देखो हम लोग एक्चुअल में ऐसे ही हैं, जब कहीं शादी में जाते हैं तो ऐसे ही मस्ती कर करके हम लोग खाते हैं। तो मेरी कोशिश ये ना कि जितना ज़्यादा मैं जैसा रियल में हूँ ना वैसे ही कैमरे के सामने, बहुत ज़्यादा फेक बन के ना होता है, कैमरा ओपन है तो पता चला मैं बहुत एकदम हेलो कैसे हैं या मुझे या हेलो स्लो को, तो ये सब मुझे नहीं इतना पसंद है। भाई जैसा मैं हूँ वैसा अगर आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो ज़्यादा हम लोग का जो बॉन्ड है ना वो अच्छा मजबूत होगा और लंबा रिश्ता चलेगा। वो नहीं है कि चार दिन बाद आप मेरा पता चला कि मेरी मीम्स बन रहे हैं या लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो वो नहीं मेरे को बनना जैसे और ब्लॉगर में हो रहा है, तो मुझे वो नहीं बनना। जैसा मैं हूँ कैमरे के और कैमरा, जब आप कभी बाहर मिलेंगे या तो आप जैसे ब्लॉग में देखते हैं वैसे ही सामने मिलेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। लाइक सीज़न का मेरा पहला धन्यवाद। यहाँ पे वो दे देना इंजूरियस टू हेल्थ।
बस मैं नहीं पीता, आप पीते नहीं है, नहीं पीता, साल छह महीने में एक बार कभी हुआ तो वो भी नहीं होता, कब जाए तो कुछ हुआ। हाँ खींचने कैसे पता ही नहीं हमको, मतलब इतने हम ज्यादा शरीफ है हुक्का तक नहीं पता। बस 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 ये आज तक खेलना ना बन पाया बस 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 नहीं नहीं अकबर भाई इधर से भी नहीं चला नहीं चला, सुट्टा लगाते मजबूत। चाचा पका पान नहीं है क्या, पीला पीला वाला? हाँ पीला वाला दीजिए, डाल के तो मजा आ जाएगा। हाँ सी माँ हाँ माशाल्लाह भाई क्या कहें, पीला है लेकिन आप खाइए निकालना मजा आ भैया। एक और टेन पे ये भी लो, देसी पान की बात ही अलग है। क्यों चाचा क्यों चाचा मजा आ रहा, मेरा फनी कर करे आप। एक और एक डबल डबल वाह वाह वाह। सो भाई फाइनली हमारी जो पार्टी थी वो हो गई है, खाना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा लजीज था, बहुत अच्छा था, मज़ा आया खा के, और पान भी मैंने खा लिया एंड पान ऑलरेडी है भी। तो ये है और ये आज का ब्लॉग है, आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया होगा। कितना मज़ा आया रमन खाने में? बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, कितना मज़ा आओ, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो पान का है, पान का और हुक्केगा बिल्कुल। तो बस इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अल्लाह हाफिज़।